हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल लॉइजी में। और कानूनी भाषा को समझने की एक श्रृंखला प्रारंभ की गई है। ऐसे कानूनी शब्द जो न्यायालय में बार बार उपयोग में आते हैं, फ्रिक्वेंटली जिनका उपयोग होता है कोर्ट में, प्रत्येक व्यक्ति का कभी ना कभी न्यायालयीन कार्रवाई में, प्रशासनिक कार्रवाई में पाला पड़ता ही है। अनचाहे या अनमने ढंग से भी कई बार व्यक्ति को कोर्ट जाना पड़ जाता है। तो न्यायालय में कुछ ऐसी शब्दावलियों का प्रयोग होता है जो अधिकतर वकीलों द्वारा इस्तेमाल की जाती है, न्यायालय में इस्तेमाल की जाती है। कई बार कोर्ट का जो ऑर्डर होता है, कोर्ट का जो समन होता है, कोर्ट के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो लीगल पेपर्स होते हैं, उनमें अनेक ऐसे शब्द लिखे होते हैं जिन शब्दों के बारे में जानकारी नहीं होने की वजह से हम उसका अर्थ नहीं समझ पाते। इसी तकलीफ को दूर करने के लिए एक श्रृंखला प्रारंभ की गई जिसका नाम है फ्रिक्वेंटली यूज्ड लीगल वर्ड्स इन द कोर्ट, यानी न्यायालय में उपयोग में आने वाले फ्रिक्वेंट ऐसे वर्ड्स, ऐसे कानूनी शब्द जो तकनीकी होते हैं, जिनका एक स्पेशल मीनिंग होता है, स्पेसिफिक मीनिंग होता है। और ऐसी श्रृंखला के हमारे 6-7 वीडियो लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं। आज ये 8वां वीडियो लेक्चर है जिसमें हम बहुत सारे ऐसे तकनीकी कानूनी शब्दों को समझेंगे जो कि न्यायालय में इस्तेमाल होती है। आइए स्टार्ट करते हैं कॉमन लीगल वर्ड्स यूज्ड इन द कोर्ट्स। तो टुडेज टॉपिक इज न्यायालय में प्रयुक्त होने वाले कुछ ऐसे कानूनी शब्द जो बार बार जिनका उपयोग होता है। सबसे पहला शब्द है एक पक्षीय। हर बार हमने सुना है एक पक्षीय निर्णय हो गया, एक पक्षीय डिग्री पारित हो गई। यहां पर एक पक्षीय को इंग्लिश में एक्सपार्टी कहा जाता है। एक्सपार्टी मतलब यानी न्यायालय में प्रिंसिपल तो ये कहता है कि दोनों पक्षों को सुनकर निर्णय देना चाहिए, लेकिन मान लीजिए एक पक्ष को नोटिस देने के बाद भी वो पक्ष अगर उपस्थित नहीं होता है तो न्यायालय एक पक्षीय निर्णय दे देती है, एक पक्ष को सुनकर भी निर्णय दे देती है। तो ऐसे निर्णय को एक पक्षीय कहा जाता है। एक पक्षीय मतलब सुनवाई एक पक्ष की हुई है, दूसरे पक्ष की सुनवाई नहीं हुई है, उसकी अनुपस्थिति में निर्णय हुआ है। दूसरा है न्यायिक कार्रवाई, जुडिशियल प्रोसीडिंग। न्यायिक कार्रवाई यानी रोज जो जो न्यायालय में होता है, जिस तारीख पर उस केस के बारे में जो होता है, उसके लिए एक पन्ने पर लिखा जाता है, कागज पर लिखा जाता है कि आज की प्रोसीडिंग में क्या हुआ। प्रोसीडिंग का मतलब होता है उस दिन की कार्रवाई क्या है। तो न्यायिक कार्रवाई का मतलब होता है जुडिशियल प्रोसीडिंग, यानी उस पर्टिकुलर फाइल में उस दिन क्या हुआ था, उस दिन क्या न्यायालयीन कार्य हुए थे, उस केस के बारे में उसको लिखा जाता है, उसको प्रोसीडिंग कहा जाता है। स्थगन, कई बार ये शब्द सुना गया है हमारे द्वारा कि आज न्यायालय ने स्थगन दे दिया। स्थगन का मतलब होता है एडजर्नमेंट करना, इंग्लिश में उसको एडजर्नमेंट कहते हैं। एडजर्न यानी आज की जो कार्रवाई है वो मुलतवी कर दी। मुलतवी एक उर्दू शब्द है, स्थगन का ही पर्यायवाची शब्द कहा जा सकता है। मुलतवी मतलब आज की कार्रवाई जो है वो अगली तारीख पर होगी, अगली दिनांक पर होगी, इसलिए इसको स्थगन कहा जाता है। स्वीकृतियां, ये स्वीकृतियां इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड इन द लीगल स्फीयर। कानूनी गलियारों में ये स्वीकृति बहुत इंपॉर्टेंट शब्द होती है। स्वीकृति मतलब जब अपोनेंट जो पक्षकार है, जो विरोधी पक्षकार है, यदि किसी बात को वो मान लेता है तो उसे स्वीकृति कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर ए ने बी के खिलाफ सूट लगाया और पहला पैराग्राफ ये लिख दिया कि हम दोनों 10 साल से जानते हैं एक दूसरे को, और यदि विपक्षी ने यानी जो प्रतिवादी है उसने लिख दिया कि यस पहला कथन स्वीकार है, तो ये उसकी स्वीकृति है कि उसने इस बात को डिस्प्यूट नहीं किया है कि वो दोनों 10 साल से एक दूसरे को नहीं जानते। तो न्यायालय के सामने ये बिंदु खत्म हो जाता है कि दोनों पक्षकार एक दूसरे को जानते हैं या नहीं जानते, दोनों उसने स्वीकार कर लिया मतलब वो जानते हैं। तो स्वीकृतियां को एडमिशंस कहा जाता है। एडमिशंस, अनुपस्थिति, अनुपस्थिति को वैसे तो एब्सेंट कहते हैं लेकिन यहां लीगल वर्ड में नॉन अपीयरेंस यूज होता है। नॉन अपीयरेंस ऑफ द पार्टी यानी पक्षकार की अनुपस्थिति, पक्षकार की अनुपस्थिति मतलब नॉन अपीयरेंस ऑफ द पार्टी, तो यहां पर नॉन अपीयरेंस वर्ड यूज होता है। दस्तावेजों को पेश किया जाना, दस्तावेजों को पेश करने का तात्पर्य होता है जब भी आप सूट फाइल करते हैं तो अपने सूट के समर्थन में, अपने केस के समर्थन में कुछ दस्तावेज पेश करते हैं, तो उस दस्तावेज को पेश करने को प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट कहा जाता है। यानी न्यायालय में प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट का मतलब होता है कि वादी या प्रतिवादी को अपने फेवर में जो भी डॉक्यूमेंट पेश करने हैं उसको कहा जाता है प्रोडक्शन ऑफ द डॉक्यूमेंट। डिग्री धारक, डिग्री शब्द होता है एक सिविल मामले में जब निर्णय दिया जाता है। सिविल मामले मतलब प्रॉपर्टी के मैटर, लेन देन के मामले, तो जो सिविल मामले होते हैं ना, जो आपराधिक फौजदारी मुकदमे नहीं है, सिविल मुकदमे, उन सिविल मुकदमों में जो निर्णय दिया जाता है उसे निर्णय ना कहते हुए डिग्री कहा जाता है, और जिसके पक्ष में डिग्री दी जाती है उसे डिग्री धारक कहा जाता है, इज कॉल्ड डिग्री होल्डर। तो डिग्री होल्डर वह व्यक्ति हो गया, डिग्री धारक वह व्यक्ति हो गया जिसके फेवर में सिविल न्यायालय ने निर्णय दिया है। निर्णित ऋणी, ये जस्ट अपोजिट है, जिसके अगेंस्ट सिविल न्यायालय ने निर्णय दिया उसको निर्णित ऋणी कहा जाता है, जजमेंट डेटर कहा जाता है। तो जजमेंट डेटर वह व्यक्ति है जिससे कि पैसा वसूलना है या जिसके खिलाफ सिविल न्यायालय ने ऑर्डर दिया है, इसको निर्णित ऋणी कहा जाता है, जजमेंट डेटर। प्रतिनिधिवाद, कई बार ऐसे लोग होते हैं जो न्यायालय में अपना पक्ष नहीं रख पाते,
ऐसे कौन लोग होते हैं जैसे अवयस्क है, अवयस्क यानी माइनर है जो 18 साल से छोटा है, या ऐसा व्यक्ति जो कि अनसाउंड माइंड है, विकृत चित्त व्यक्ति, दिमागी रूप से स्वस्थ नहीं है, तो ऐसे लोगों के लिए उनका कोई प्रतिनिधि होता है जो उनका वाद दायर करता है, तो ऐसे वाद को प्रतिनिधिवाद कहा जाता है। तो प्रतिनिधिवाद को इंग्लिश में रिप्रेजेंटेटिव सूट कहा जाता है। तो रिप्रेजेंटेटिव सूट का तात्पर्य हो गया ऐसा वाद जिसमें कोई दूसरा व्यक्ति किसी और का प्रतिनिधित्व कर रहा है क्योंकि वो व्यक्ति असक्षम है। प्रत्याहरण, एक लीगल वर्ड आता है प्रत्याहरण, प्रत्याहरण को इंग्लिश में विड्रॉवल कहा जाता है। विड्रॉवल मतलब सूट को वापस ले लेना, विड्रॉवल ऑफ द सूट, विड्रॉवल ऑफ द क्लेम, दावे को का प्रत्याहरण मतलब दावे को वापस ले लेना, तो किसी चीज को वापस लेना इट इज कॉल्ड प्रत्याहरण या केस को वापस ले लेना। अकिंचन या निर्धनवाद, ये अकिंचनवाद या निर्धनवाद क्या होता है? हम सभी को पता है न्यायालय में जब हम सूट फाइल करते हैं तो कोर्ट फीस देनी पड़ती है जिसको वाद व्यय कहा जाता है, यानी स्टैंप ड्यूटी भरनी पड़ती है। पर कई लोग ऐसे होते हैं जो गरीब हैं जिनको स्टैंप ड्यूटी का पैसा नहीं है, न्याय शुल्क या वाद शुल्क भरने का पैसा नहीं है, तो उनके लिए भी प्रावधान रखा गया है ऐसा व्यक्ति अकिंचनवाद के रूप में या निर्धन व्यक्ति के वाद के रूप में केस फाइल कर सकता है। इसको इंडिजेंट या पॉपर सूट कहा जाता है। इंडिजेंट सूट या पॉपर सूट यानी उसको वाद व्यय से छूट मिलती है, यानी न्याय शुल्क से उसे छूट दी जाती है। संक्षिप्त प्रक्रिया, कई जगहों पे न्यायालय संक्षिप्त प्रक्रिया का को अपनाता है, या कई बार हम ये शब्द भी सुनते हैं कि न्यायालय ने समरी प्रोसीजर अपनाई। समरी मतलब जिसमें फॉर्मेलिटीज की कमी होती है, यानी ज्यादा फॉर्मेलिटी नहीं होती, इनफॉर्मल वे से तेजी से इसमें कार्य किया जाता है, तो उसको संक्षिप्त प्रक्रिया या समरी ट्रायल कहा जाता है, समरी प्रोसीडिंग। हितग्राही, यहां पर एक शब्द बहुत ही कॉमन इस्तेमाल होता है न्यायालय में, हितग्राही मतलब बेनिफिशरीज। बेनिफिशरीज मतलब उसका लाभ, किसी संपत्ति का लाभ, भले वो चल हो अचल हो, उसका लाभ जिस व्यक्ति को प्राप्त होने वाला है उस व्यक्ति को बेनिफिशरीज बोलते हैं। बेनिफिशरीज में से एक शब्द आता है बेनिफिट, यानी द पर्सन हु इज रिसीविंग बेनिफिट इज कॉल्ड बेनिफिशरीज। जैसे उदाहरण के तौर पर एक चैरिटेबल ट्रस्ट है, एक चैरिटेबल ट्रस्ट मतलब एक खैराती न्यास से समझ लीजिए, उस खैराती न्यास को गरीबों के लिए बनाया गया, तो जो गरीब लोग हो गए वो हितग्राही हो गए, यानी उस ट्रस्ट के हितग्राही कौन हो गए? वो गरीब लोग। तो हितग्राही कौन हो गया? ऐसा व्यक्ति जिसके लिए वो बेनिफिट्स के लिए वो संपत्ति रखी गई। कब्जा, ये कब्जा बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको आधिपत्य भी कहा जाता है। कब्जा को इंग्लिश में पजेशन बोलते हैं। भौतिक रूप से जो व्यक्ति संपत्ति पर नियंत्रण रखता है उसे कब्जा कहता है। भौतिक रूप से सपोज मैं कह रहा हूं ये मकान मेरा है और उस मकान की कस्टडी भी मेरे हाथ में, मकान की चाबी मेरे पास है, ताला लगाए चाबी मेरे पास है, मैं मकान के अंदर मौजूद हूं, तो इसे कब्जा कहा जा सकता है क्योंकि ये भौतिक रूप से संपत्ति पर नियंत्रण है। और स्वामित्व जो होता है ये समथिंग डिफरेंट, उस संपत्ति के दस्तावेजों पर जो टाइटल पेपर्स हैं उस पर यदि आपका नाम लिखा है तो आप स्वामी माने जाएंगे। सपोज मान लीजिए एक प्लॉट है, उस प्लॉट पे आपका कब्जा नहीं है लेकिन आपका उस प्लॉट की रजिस्ट्री पे आपका नाम लिखा है, उस प्लॉट की ऋण पुस्तिका में आपका नाम लिखा है, तो आप ऑनर है, यू आर दी ऑनर, इसको ऑनरशिप कहा जाता है, स्वामित्व। कानूनी हक, कानूनी हक यानी ऐसा अधिकार जिसको कानून मान्यता देता है, यदि कानून मान्यता नहीं देता है तो गैर कानूनी हक होता है। तो कानूनी हक का मतलब होता है जिसको लॉ ने भी स्वीकार किया कि ये हक इसका है, तो कानूनी हक को हम लीगल राइट कह सकते हैं। अनदर वर्ड इज वैध नियुक्ति। वैध नियुक्ति, कई बार किसी जॉब पर कोई व्यक्ति गैर कानूनी ढंग से भी बैठ सकता है और कोई व्यक्ति जिसको लीगली अपॉइंट किया गया है, मतलब उसके लिए ऑर्डर जारी हुआ है कि यह इस पोस्ट पे यह व्यक्ति होगा, तो ऐसा व्यक्ति वैध नियुक्ति कहलाता है, इट इज कॉल्ड लीगल अपॉइंटमेंट। अनदर पॉइंट इज अवैध हिरासत, या अवैध हिरासत भी बहुत ही कॉमन शब्द इस्तेमाल होता है। इलीगल डिटेंशन या इलीगल कस्टडी, यदि व्यक्ति ने अपराध किया है और न्यायालय ने उसको कस्टडी में भेजा है तो ये तो वैध हिरासत होता है, लेकिन आप किसी को जबरदस्ती कमरे में बंद कर दो या पुलिस ने जबरदस्ती किसी को हवालात में डाल दिया है तो इसको अवैध हिरासत कहा जाता है, इट इज कॉल्ड इलीगल डिटेंशन या इलीगल कस्टडी। विखंडन, ये विखंडन शब्द भी कानून में बहुत इस्तेमाल होता है। विखंडन को इंग्लिश में रिवोकेशन कहा जाता है। रिवोकेशन मतलब आपने कोई प्रस्ताव रखा था, उस प्रस्ताव को यदि आप वापस ले लेते हैं तो उसको रिवोकेशन कहते हैं। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए मैंने आपको कहा कि क्या आप मेरी कार खरीदेंगे, और मेरे प्रस्ताव पहुंचने के पहले ही मैं इस प्रस्ताव को क्या कर सकता हूं, वापस ले सकता हूं कि मेरे द्वारा जो आपको प्रस्ताव दिया गया था वो मैं आज क्या कर रहा हूं, वापस ले रहा हूं। तो प्रस्ताव को वापस लेना इट इज कॉल्ड रिवोकेशन। अनदर पॉइंट इज युक्तियुक्त। ये युक्तियुक्त शब्द बहुत बार इस्तेमाल होता है, इसको नॉर्मली हम रीजनेबल कहते हैं। रीजनेबल मतलब जो भी चीज की जा रही है वो रीजनेबल होनी चाहिए। रीजनेबल का मतलब होता है जैसे मान लीजिए आपने किसी को समय दिया है तो ऐसा नहीं कि आधे घंटे का समय है आधे घंटे में जवाब दीजिए, ऐसा नहीं होता है। रीजनेबल टाइम नहीं है,
रिजनेबल का मतलब है युक्तियुक्त, मतलब जो तार्किक रूप से अंतरात्मा की आवाज हमें कहती है कि इतना समय तो देना ही चाहिए, इतना तो होना ही चाहिए, यानी रिजनेबल का मतलब रीजन, जिसके पीछे कुछ कारण हो, व्यक्ति को यदि आप गिरफ्तार कर रहे हैं तो उसने रिजनेबल ग्राउंड्स देना चाहिए, आधार बताने चाहिए, किसी व्यक्ति को जवाब देना तो उसे रिजनेबल समय देना चाहिए, तो रिजनेबल का मतलब यहां पर युक्तियुक्त से होता है। तो ये है मित्रों कुछ लीगल वर्ड्स। आज के इस आठवें लेक्चर में हम लोगों ने बहुत ही इंपॉर्टेंट लीगल वर्ड्स किए हैं, एक पक्षीय, न्यायिक कार्रवाई, स्थगन, स्वीकृतियां, अनुपस्थिति, दस्तावेजों को पेश किया जाना, डिग्री धारक, निर्णित ऋणी, प्रतिनिधिवाद, प्रत्याहरण, अकिंचन अथवा निर्धनवाद, संक्षिप्त प्रक्रिया, हितग्राही, कब्जा, स्वामित्व, कानूनी हक, वैध नियुक्ति, अवैध हिरासत, विखंडन और युक्तियुक्त। आई होप यू एंजॉयड दिस लेक्चर। काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल लॉ इजी। थैंक यू सो मच।